और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। करना प्रारंभ करेगा स्वाभाविक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत माता के अमर सपूतों और आजादी के महानायकों के वे सपने साकार होंगे, जिन्होंने देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत, एक स्वतंत्र भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का देखा था। आज हम सब आजादी के इस महानायक को उनकी पावन जयंती के रूप में स्मरण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश की आजादी के लिए एक सुरक्षित और स्वावलंबी भारत बनाने का उनका जो सपना था, उस सपने के लिए आज भारत सकारात्मक दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। हमें पूरा विश्वास है कि हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने को साकार करने के लिए अपने स्तर पर योगदान देगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे लखनऊ से योगी आदित्यनाथ को सीधा लाइव। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है, इसको लेकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे। देश की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख और सबसे चर्चित नायकों में से एक सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती मनाई जा रही है। 127वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।